एफर्ट की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ दिखाई है जिसके बारे में एक एक करके बताती जाती हूँ। 2 कप यहाँ पर मैंने काजू लिया है, इस कप से मैंने नापा है 2 कप काजू। फ्रेंड्स सुनने में बड़ी चीज़ लगती है काजू कतली, लेकिन बनाओगे तो 15 से 20 मिनट में बनेगी और बहुत प्योर बनेगी, कोई मिलावट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो काजू में कई बार इस तरह के ब्राउन दाग होते हैं, बाकी देखो 2-3 काजू मैं दिखा देती हूँ। इसको आप चाकू से काट के हटा दो, क्योंकि कतली बनने के बाद ये अगर ब्राउन सा कुछ उसमें दिखे तो बहुत ही बुरा लगेगा। और काजू को 2 भाग में तोड़ लो, कई बार काजू के बीच में ना वो चाले कीड़े वगैरह सब होते हैं। इनको मैं डाल रही हूँ मिक्सर जार में और पीसना है, लेकिन ध्यान रखना लगातार मिक्सर मत चलाना, रोक रोक कर मिक्सर चलाना, वरना काजू से तेल निकल आएगा और ये पाउडर की जगह पेस्ट बन जाएगा आपका। तो पीसने के बाद मैंने इसको छान लिया है ताकि अगर कुछ टुकड़ा वुकड़ा रह गया हो तो वो छन जाए, कुछ रह भी गए थे देखो ये जैसे। इसको आप बाद में काजू खीर में या फिर सब्जी में यूज़ कर लेना। कढ़ाई में डाल दो आप 3/4 कप चीनी, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 कप चीनी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल हर कोई कम मीठा खाना पसंद करता है और कम मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अभी खाने में आपको। तो 1/2 कप पानी डाल दिया मैंने और 2 से 3 बूंद में डाला है लेमन जूस। ये चीनी जब आप तार वाली बनाओगे ना चाशनी, तो क्रिस्टल्स जम जाते हैं कढ़ाई में और बाद में आपकी कतली ख़राब ही हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लेमन डाला है यहाँ पर। 2-3 बूंद आप यहाँ पर प्लेट पर मैं गिरा के दिखा रही हूँ आपको चाशनी। ठंडा होने के बाद आप चेक करो तो इस तरह से तार बन रहा है, पूरे नहीं बन रहे लेकिन हाँ तार उठ रहा है, बस हमें यही चाशनी चाहिए थी। अब यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दो और फ्लेम ऑफ करने के बाद आप काजू का जो पाउडर रेडी किया था वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, ये डालो तो अच्छी बात है और ज़्यादा मत डाल देना खुशी में कि भैया और ज़्यादा अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा डालोगे तो बाद में कतली जो है वो चिपचिपी हो जाएगी, इसलिए 2 टेबलस्पून ही डालना, ये काजू को बाइंड करने में हेल्प करती है। और बस मिलाने के बाद फ्लेम को दोबारा से ऑन कर दो और अगले 4 मिनट के लिए इसको लगातार चलाते रहना फ्लेम ऑन करके। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना, लगातार चलाते रहना, बिल्कुल हाथ रोकना मत, वरना नीचे से जल जाएगा काजू आपका और कतली बहुत बेकार बनेगी। तो इस तरह से आप चलाते रहो और 2 मिनट होने बाद, 2 मिनट होने के बाद यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून यहाँ पर घी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने घी ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून और इसको अगले 2 मिनट तक फिर आप चलाओ, लगातार चलाते रहना। इस दो ट्रिक को अगर आप यूज़ करोगे ना, काजू के कतली का चाशनी कैसे बनता है और आगे मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी, तो आपकी काजू की कतली ऑलवेज अच्छे ही बनेंगे। ये दूसरा ट्रिक है। मैंने प्लेट पर लगा लिया है घी और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पेस्ट काजू का और हाथ में भी मैंने घी लगा रखा है और इसको इस तरह से फैला देना, स्प्रेड कर देना और फिर हम इसका एक छोटा सा बॉल बनाकर ट्राई करेंगे। अभी देखना, ये देखो ये मैं बॉल बना रही हूँ और ये बहुत आसानी से बॉल बन जाएगी, बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं। ये है दूसरा टेस्ट। अगर आपने इस तरह का बॉल बना के चेक किया, आपका बॉल परफेक्टली बन गया, तो आपकी कतली भी परफेक्ट ही बनेगी। पहला आप चाशनी टेस्ट करना और दूसरा ये बॉल बना के टेस्ट करना, यकीन मानो आपकी काजू की कतली कभी बुरी नहीं बनेगी। तो ये हमारा जो बैटर है ये रेडी हो गया है। इसको मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ करने के 1 मिनट बाद तक इसको आप चलाते ही रहना, रोकना मत हाथ, और अगले 10 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको ऐसे ही ठंडा होने को। यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन लिया है जो हम मार्केट से कपड़े वगैरह खरीद के लाते हैं, वही पॉलीथीन रेगुलर पॉलीथीन है। इसको धो लो अच्छे से और सुखा लो और फिर इसके बीच में थोड़ा सा घी डाल देंगे। इस तरह से मैंने घी डाल के इसको हाथ से फैला दिया है। हाथ से स्प्रेड करने के बाद ऊपर नीचे अच्छे से स्प्रेड कर दो और 10 मिनट बाद काजू का जो पेस्ट था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है। पूरी तरह से तो ठंडा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया, तो हाथ को बचाते हुए आप ये पेस्ट निकालो और इस पैकेट में डाल दो। यहाँ पर हम काजू को गूंदने का काम करेंगे, मतलब इसको बहुत अच्छे से मैश करेंगे जिससे काजू का जो फैट होता है वो रिलीज होगा और बहुत अच्छा, मतलब आपका जो डो होगा ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, इवन हो जाएगा। आप अभी देखना खुद रिजल्ट, अभी आपको दरदरा सा दिख रहा होगा ये डो, और जैसे ही मैं इसको हाथ से नीट करूँगी, ऐसे जब गूंदना शुरू करूँगी, ये देखो इस तरह से जब आपको फाइनल में आपको डो दिखाऊंगी ना, तो देखना कितना इवन डो दिखेगा आपको। 1 से 1.5 मिनट बाद ये ऐसा कुछ बनकर रेडी हुआ, कितना इवन लग रहा है ना, सॉफ्ट स्मूथ लग रहा है देखने से टेक्सचर।
बस हमें यही चाहिए था। ये इवन हो गया। ये तीसरा ट्रिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब इसको आप पैकेट में डाल दो इस तरह से, और स्क्वायर शेप या सर्कल जो भी, मतलब आप गोल बनाना चाहो, चाकोर बनाना चाहो, चाकोर अगर बनाओगे तो आपकी कतली ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कतली बनेगी। तो मैंने इसको चाकोर शेप में इसको इस तरह से फैला लिया है चाकोर शेप में, और ये तीन साइड से सील था पैकेट, तो मैं दो साइड से खोल लेती हूँ। शीट हमारा बाहर, मैं थिकनेस आपको दिखा देती हूँ। ये थिकनेस है काजू कतली की। अब ये आता है बर्फ चांदी का, ये हम इसके ऊपर चपका देंगे। एक्चुअली फैन चल रहा था तो मेरा एक बर्फ ऐसे ही गिर गया, बर्बाद ही हो गया एक तरह से, लेकिन ठीक है, आप एहतियात से करना और हाथ मत लगाना, हाथ में बर्फ चपक जाता है वो बर्बादी हो जाता है। तो बस अब आप इसको कतली में काट लेना। मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी में सारा काम किया है तो थोड़ा सा चिपक रहा है यहाँ पर कतली। आप अगर एक आध घंटा रुक के काटोगे तो कतली आराम से कट जाएगी। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे हॉट एंड स्वीट रसोई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी, और अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो वो तो ज़रूरी शेयर कर देना ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँ। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल हॉट एंड स्वीट रसोई को सब्सक्राइब कर लो, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आराम से मिल जाएं। यहाँ पर मैं आपको कतली टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ, भैया बनाया तो आखिर कैसा बना। तो ये देखो, मैं तोड़ कर दिखाती हूँ आपको, ये कितना ईजिली टूटेगी, बहुत ईजिली टूटेगी, मतलब आप मुँह में डालोगे और मुँह में डालते ही घुल जाने वाली कतली बनी है। और ये मैं आपको कतली भी दिखा देती हूँ, ये नहीं कि एक पहले से कतली ही नरम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत स्टेबल कतली है और बहुत अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।